नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन, 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद एनसीसी की वी सर्टिफिकेट एग्जाम प्रेसिडिंग ऑफिसर कर्नल एचपीसी अहलावत व मेंबर सर्टिफिकेट एग्जाम के मेंबर लेफ्टिनेंट कर्नल संजय यादव के निर्देशन में आज विक्रम यूनिवर्सिटी के विवेकानंद हॉल में आयोजित हुई, जिसमें 10th एमपी बटालियन एनसीपी व 2 MP बटालियन एनसीसी के 272 के लगभग कैडेट्स परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें एक दिन पूर्व कैडेट्स की प्रैक्टिकल एग्जाम लिया गया, जिसमें शारीरिक दक्षता और वेपन्स की भी ट्रेनिंग ली गई। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है एनसीसी बी सर्टिफिकेट, उसके लिए एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें 398 बच्चे जो हैं, बॉयज़ और गर्ल्स कैडेट्स, ये जो हैं ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। सर, क्या फायदा है एनसीसी का? एक बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ये लिया जाता है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लिया जाता है। तो कल हमारे प्रैक्टिकल हो गए थे और आज जो है थ्योरी का एग्ज़ाम है, जो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हो रहा है। थ्योरी के एग्ज़ाम में फ़ौज के जो बारे में जो भी हमको सिखाते हैं, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, जनरल नॉलेज, जो भी हमने 2 साल में सिखाया उसका एग्ज़ाम लेते हैं। इसके बाद जो बच्चे पास हो जाते हैं तो उनको बी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें ABC और 3 ग्रेड होते हैं। बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के बाद जो है, बी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये लोग चाहें तो 1 साल और कंटिन्यू करके आगे करके सी सर्टिफिकेट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो और सी सर्टिफिकेट करते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, बी और सी दोनों के फ़ायदे हैं। और बी सर्टिफिकेट करके भी जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में कई नौकरियों में जो है बी सर्टिफिकेट का एडवांटेज एक दिया जाता है, कई जगह इसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी हैं। और ये होता है कि जो बच्चा बी सर्टिफिकेट लेके जाता है, जो एक आर्मी की ट्रेनिंग लेके जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसका एक अलग इम्प्रेशन और एक अलग जो है एक छाप पड़ती है। एक आम स्टूडेंट जाएगा कोई इंटरव्यू देने और एक एनसीसी कैडेट जाएगा विद बी सर्टिफिकेट जो 2 साल ट्रेंड है, तो उसका सामने जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा अपने आप ही बढ़ जाते हैं। सर, क्या संदेश रहेगा अभी स्कूलों में? मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, क्योंकि एनसीसी अभी बहुत से स्कूलों में नहीं है और वैसे भी हमारे पास बहुत से जो हैं बच्चे जो हैं आना चाहते हैं। तो बच्चों को है कि वो आने के लिए तैयारी करें, क्योंकि जब भी एनसीसी में जो भी एनरोलमेंट होता है उसके लिए हम फिज़िकल फिट बच्चे जो हैं, जो फिज़िकल फिट हैं, जो स्मार्ट हैं, तो उन बच्चों को हम अहमियत देते हैं। तो बच्चों से ये है कि जब भी वो अपना पता करे कि किस कॉलेज में है एनसीसी, किस स्कूल में एनसीसी हैं, जो एनसीसी में इंटरेस्टेड हैं, और वो जाके अपना समय पर वहाँ पे जो है आवेदन करें। सर, आपका नाम लीजिए। मेरा नाम, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजय यादव, मैं मेम्बर हूँ इस बोर्ड का और मैं 2 MP आर्मी स्क्वाड्रन मऊ, उसको मैं कमांड कर रहा हूँ। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।